और इस वारदात के होने के बाद पूरी पुलिस विभाग जो है इसको सॉल्व करने के लिए तत्पर हुआ, क्योंकि निश्चित रूप से एक हृदयविदारक घटना थी जिसमें ये ज्ञात हुआ था कि कुछ लोग जो है वो घुसकर और जिन्होंने यहाँ पर रहने वाली अंजू जायसवाल की हत्या कर दी है, मतलब उनपे और उनकी बिटिया दीक्षा जायसवाल जो दोनों जब घर में मौजूद थी तो ये लोग घुसे हैं और घुसने के पश्चात इनसे ये इनके साथ उनकी जिद्दोजहद हुई और उस लड़की के गले में चाकू का वार था और सिर पे जो है वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया था। वैसे ही महिला जो थी जो उनकी असामयिक मृत्यु हुई उनको उनकी हत्या जो है जो बर्नर होता है उसका गैस का उसको उससे करना संभव प्रतीत उस समय ऐसा लग रहा था कि उससे की हत्या। इस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की टीम्स बनाई गई और हमारे जो भी एसपी अभी आई ने ज्वाइन किया और यहाँ जो पुरानी टीम थी उसने और हमारे डीएम साहब भी यहाँ आ गए थे, दो दिन उन्होंने यहीं कैंप किया तो हमने तत्काल उनको यहाँ भेजा था और उसके पश्चात इन सब लोगों ने इस टीम ने मिलकर जिस तत्परता से इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो विवेचना की है वो वास्तव में बहुत ही शानदार विवेचना का एक नमूना, क्योंकि पुलिस का काम निश्चित रूप से वारदात को उजागर करना है। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत कई बहुआयामी रूप से जो है कई टीमें बनी थी और सबको जो है एसपी निवेदिता गुप्ता जो है वो मॉनिटर कर रही थी और उसके साथ में एडिशनल एसपी जो थे वो भी यहाँ थे क्योंकि यहाँ तो पहले से हैं और लोकल डीआईएसपी और उनकी टीम जो बनी थी उसमें एक चीज़ ये सामने आई कि वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेजेस थे और लोगों से जो पूछताछ हुई उस आधार पर ये ज्ञात हुआ कि तीन चार लड़के जो है चार लड़के वहाँ पर अंदर उसमें घुसे हैं और उनका हुलिया कुछ हुलिया को डिस्क्राइब हुआ था कि यंग लड़के हैं और इस प्रकार के नजर आ रहे हैं। तो जब उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली सहयोग लिया गया तब उसमें वहाँ पर अंदर जब सामान की खोजबीन की गई है तब ही वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार जो है कुछ वारदात हुई है कि यहाँ पर यंग लड़के आए हैं और उन्होंने आकर ये वारदात की। इस आधार पर जब सीसीटीवी में और क्लियर हुए चले तो फिर उसके बाद जब ये ज्ञात हुआ तब ये लगा कि यहाँ पर रहने वाले चार घर छोड़ के पांच घर उसी मोहल्ले के रहने वाले कुछ लोगों ने का सहयोग उसमें हुआ है ऐसा ऐसी बात आई। लेकिन जब बाद में जब सब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये लगा कि वास्तव में यही मास्टरमाइंड थे, इन्होंने उनको यहाँ बुलाया और बुलाकर क्योंकि जो ये सुशील बबलू जायसवाल और दिनेश रजक तो इन लोगों ने यहाँ पर ये बाकी विशाल जाटव और अतुल सिंह और रवि कांत मौर्य इन लोगों को यूपी से बुलाया था और यहाँ बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया है और इनका इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था, ये तो ये था कि इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनके पास काफी पैसा होगा तो इस बात को लेकर ये अगर उनको लगता था कि इनके घर में घुसेंगे तो काफी पैसा मिलेगा एक बात। दूसरी बात ये थी कि ये लोग जो है सुशील जायसवाल और ये लोग दिनेश स्पेशली सुशील जायसवाल वगैरह ये लोग बहुत दर्जे में थे, इन्होंने पीछे एक कोई सट्टे में जो है काफी पैसा हारा है और उसको लेके ये बहुत परेशान रहते थे तो मतलब उन्होंने शॉर्टकट चुना पैसा।